पर ही दोनों एक दूसरे पर लात घूंसे चलाने लगे। जिस दौरान दोनों में मारपीट हो रही थी, उसी वक्त वहां से एक लाल बत्ती लगी गाड़ी जा रही थी। बताया जा रहा है कि ये लाल बत्ती की गाड़ी में उत्तराखंड के गृह मंत्री प्रीतम सिंह सवार थे, लेकिन मंत्री जी वहां से निकल गए। उन्होंने वहां पर एक मिनट भी रुकना मुनासिब नहीं समझा। दरअसल बताया जा रहा है कि हरियाणा के रहने वाले कुछ लोग दो कारों से इसी रोड की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान आगे से चल रही एक कार चालक ने अचानक गेट खोल दिया और इससे कार उससे टकरा गई। तो आपको बता दें, देहरादून में भी सड़क पर लात घूंसे चले और इस दौरान दिलचस्प बात यह रही कि वहां से गृह मंत्री प्रीतम सिंह का कार सवार काफिला गुजरा, लेकिन उन्होंने की जहमत नहीं उठाई कि सड़क पर जो बवाल हो रहा है इसे रोकने की कोशिश की जाए। आपको बता दें, हरियाणा से दो लोग अपनी अपनी कारों में सवार होकर इसी रोड की तरफ जा रहे थे कि अचानक एक कार ने अपना दरवाजा खोल दिया कार का, उसी से वो कार दूसरी कार से टकरा गई। उसके बाद दो लोगों में जमकर धक्का मुक्की मारपीट हुई। अनदेखी कर वहां से गृहमंत्री का काफिला गुजर गया। सड़क पर बीच सड़क पर यह वाकया पेश आया और सबसे बड़ी बात रही कि इसी दौरान वहां से गृहमंत्री प्रीतम सिंह का काफिला गुजरा, लेकिन उस गृहमंत्री के काफिले में से किसी ने भी यह जहमत नहीं उठाई कि सड़क पर रहे दो लोग झड़ रहे हैं, उनको उनके बाद बीच बचाव किया जाए, उनको झड़ने से रोका जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश पाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अवनीश, जानना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला? सचिन, देखिए, ये जो पूरा मामला है डालनवाला थाना क्षेत्र के एसी रोड की ये घटना है और वहां पर ये दो जो पर्यटक जो आने जाने वाले लोग थे उनके बीच में ये कारों में टक्कर को लेकर के जो है झगड़ा हुआ था। लेकिन बड़ी बात ये रही कि जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि जो गृह मंत्री है वो वहां से निकल रहे हैं लाल बत्ती गाड़ी में, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब एक जो व्यवहार की कोई ऐसी उसमें बात नहीं दिखाई थी। और वही काफी देर इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी जो है वहां पर पुलिस नहीं पहुंची। सचिन, अब फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, दोनों पक्ष जो है स्थानीय लोग जो वहां पर जो मौजूद थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद दोनों पक्षों को जो है थाने में ले जाया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है अवनीश, जिस तरीके से गृहमंत्री का काफिला वहां से गुजर रहा था, गृहमंत्री के काफिले में तमाम सुरक्षा अधिकारी भी होते हैं, क्या किसी ने जहमत नहीं उठाई कि सड़क पर झगड़ रहे लोगों को अब बीच बचाव किया जाए, उन्हें रोका जाए? सचिन, देखिए, यही एक सवाल इसलिए उठ रहा है कि साफ तौर पर दिख रहा है कि गृहमंत्री वहां से लाल बत्ती में निकल रहे हैं और वो झगड़े को होते हुए देख भी रहे, लेकिन उसके बावजूद जनप्रतिनिधि होने के नाते भी उन्होंने जो है ना ही उनके द्वारा कोई पुलिस को सूचना दी गई, ना ही उनके साथ जो मौजूद जो सुरक्षा कर्मचारी थे उन्होंने वहां उतर करके इस झगड़े को निपटाने की कोशिश करी। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, जहां पर्यटक जहां पर आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर के चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो लाख दावे करता है, लेकिन जो हकीकत है वो सामने है। और वहां पर जिस वक्त ये झगड़ा फसाद हो रहा था वहां पे क्या कोई पुलिसकर्मी या कोई ट्रैफिक का यातायात का कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था जो इस झगड़े को रोकता? देखिए, ये राह चलते ये पूरी घटना हुई है कि आपस में गाड़ियां टकराई और उसको लेकर के इतनी मार पिटाई और गाली गलौज किया गया है, लेकिन जो वहां के स्थानीय जो लोग थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और आगे की जो कार्रवाई की गई है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश।